उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे से बिजली कर्मियों की 72 घंटों की हड़ताल शुरू होगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन राजधानी लखनऊ समेत सभी जिलों में बिजली कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की 72 घंटों की हड़ताल को लेकर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने भी समर्थन दिया है, जिसके बाद आज रात 10 बजे से पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि शीर्ष प्रबंधन की हठवादिता के चलते बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। राजधानी में चल रहे बहिष्कार में एनसीसीओईई के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के त्रिवेदी लखनऊ पहुंचकर बिजली कर्मियों के प्रदर्शन में शामिल हुए और रात 10 बजे से होने वाली 72 घंटों की हड़ताल का समर्थन। आज की बात कुल मिला के यह है कि यह रिजल्ट नहीं हो पाया और पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन के अटवादी रवैये के चलते बड़े अफसोस के साथ बिजली कर्मी बड़े दुख के साथ आज रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं और हमारे मन में संवेदनशीलता है आम लोगों के प्रति। गर्मी का महीना है, इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की कॉल नहीं दी। यह 3 दिन की टोकन स्ट्राइक है। आज रात का मतलब अभी आप हड़ताल पे हैं कि नहीं? हड़ताल रात 10 बजे से शुरू होगी। लेकिन आज भी काम नहीं कर रहे हैं आपके? नहीं, कार्य बहिष्कार है और हड़ताल और कार्य बहिष्कार में फर्क है। जब हड़ताल होगी तो जो लोग शिफ्ट की ड्यूटी कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे सिस्टम ऑपरेशन के लोग SLDC पे कर रहे हैं, जेनरेटिंग स्टेशन में कर रहे हैं, ट्रांसफर के सब स्टेशन पर काम कर रहे हैं, रात 10 बजे वह भी काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। कहीं पर भी बिजली व्यवस्था बंद नहीं कर रहे, क्योंकि यह हमारी मदर इंडस्ट्री है, इससे ब्रेड बटर हमको मिलता है। बिजली व्यवस्था बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है 72 घंटे की हड़ताल के जरिए अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए सरकार का ध्यानाकर्षण करना। जो हठवादी रवैया है, पैथेटिक एटीट्यूड है पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजमेंट का, उसके प्रति गवर्नमेंट का ध्यानाकर्षण करना। हम काम छोड़ के हट जाएंगे शांतिपूर्वक। अगर कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है तो व्यवस्था चलती रहेगी, हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई व्यवधान हमें उसमें उत्पन्न नहीं करना। सर, अगर मान ली कहीं कोई फॉल्ट आता है, कहीं बिजली नहीं आती है, तो वहाँ पर क्या वो ठीक करने जाएंगे? हम जब काम ही छोड़ के हट जाएंगे, 72 घंटे हम काम पर नहीं रहेंगे। 72 घंटे के बाद क्या एक्शन होगा आपका? 72 घंटे बाद हम काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन हमने विनम्रता पूर्वक एक बात कहा, सरकार को भी कहा है, अपने नोटिस में भी कहा है कि हम शांतिपूर्वक ध्यानाकर्षण करने के लिए कर रहे हैं। अगर इस हड़ताल के कारण किसी भी बिजली कर्मचारी को कहीं गिरफ्तार किया जाता और यह है हमारा एक कहना है, सारे हिंदुस्तान में 27 लाख बिजली कामगार इंजीनियर है, एक मिलकर परसों रात को हम बैठक किया है, बैठक करके ये स्ट्राइक जो हो रहा है आज अभी तक चल रहा है, कार्य बहिष्कार राष्ट्रीय जो स्ट्राइक होगा उसका हम सहमति करके सरकार को मिनिस्टर ऑफ UP को हम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से और हिंदुस्तान की जितनी इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन है, वर्कर को, इंजीनियर को, डिप्लोमा इंजीनियर को, सभी फेडरेशन से चिट्ठी पहुंच गया है चीफ मिनिस्टर को, आप एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए, बातचीत करके चलिए, किसी परेशानी आम जनता का ना हो। और जो समझौता आप 3 दिसंबर में किया था उसको मान्यता दीजिए, आप खुद किया है उसको मान्यता दीजिए। इससे ज़्यादा और ही मैं बहुत अच्छा सा ढंग से बोला है, ये इतना संविदा कर्मचारी जो काम कर रहा है वो बेकार कानूनी रेगुलर जॉब में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया सकता है, वो दे रहा है उसको भी समान वेतन, उसका रेगुलर करनी है, रेगुलर करने का तक आपका समान वेतन दीजिए रेगुलर कर्मचारी के साथ। यही अब छोटा सा मांग है, ज़्यादा मांग नहीं है, लेकिन एक कहता है ये इकाई से यूपी का इकाई को बधाई दे रहा है समूचा हिंदुस्तान से, ये आगे बढ़ाएगा, इसका मतलब यूपी सरकार दे तो अच्छा होगा। थैंक यू सर।